मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। कमल काटे रे वरोसो सांस सांस पर आस तुम्हारी और न काहू के रे वरोसो तो यह है मानव मंदिर। अब इसको जब गंदा कर लेते हो तब वो कबूल नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। गंदी जगह पर बैठ करके कोई पूजा पाठ करता है, कहते हो यह जगह अपवित्र है। कौन सी? जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं उस जगह को कहते हो यह नापाक जगह है। यहाँ पर यज्ञ कहीं करेंगे तो नुकसान न हो जाए, कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। कोई भी अनुष्ठान पूजा पाठ शमशान घाट पर कोई नहीं करता है। कहता है देवता इससे खुश नहीं होंगे, देवता इससे नाराज हो जाएंगे। अब शमशान घाट पर किसको ले जाते हैं? जिसकी जीवात्मा निकल जाती है मुर्दा को ले जाते हैं। तो प्रेमियों, यही जीवात्मा जो आपके अंदर है वही जीवात्मा मुर्गा में, भैंसा में भी, बकरा में भी, यही जीवात्मा उसमें भी है। आदमी का बच्चा मर जाए, आदमी मर जाए तो कहते हैं कि जलाने गए थे, गाड़ने गए थे मुर्दा, लौट करके आते हैं, नहाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, कान पकड़ते हैं, मिर्ची खाते हैं कि जिससे यानी समझो कि कोई अगर कोई जर्म सा गए हों तो उससे नुकसान न हो। अब वही मुर्दा, वही आत्मा उसके अंदर भी है, मुर्गा के अंदर, भैंसा के अंदर, वही आत्मा यानी अन्य जीवों में, पक्षियों में भी है। जब वो निकल जाती है तब वो मुर्दा नहीं होता है, वो भी मुर्दा ही होता है। तो उस मुर्दे को ले क्या करते हैं? पेट के अंदर रख लेते हैं बहुत से लोग, मांस को खाते हैं और मांस ही को नहीं खाते। उसमें जब घी डालते हैं, मिर्च मसाला डालते हैं, तब उसको अन्य देवता के साथ खाते हैं। मांसाहारियों से आप पूछो कि सीधे सीधे मांस क्यों नहीं खाते हो? सीधे सीधे मांस खाओ तो जल्दी कोई नहीं खाएगा। लेकिन अब आजकल तो मांस खाने का फैशन लोग बना ले रहे हैं। गांव में तो ये चीज़ नहीं थी, लेकिन गांव-गांव में ये चीज़ फैल रही है। शराब गांव-गांव में फैल रहा है। सरकारें तो ये सोच रही हैं कि दुकान खुल जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी, लेकिन आप ये समझो पाप से कोई फलता फूलता नहीं है। पैसा बहुत हो जाए लेकिन कर्म उसके अच्छे न हो तो लक्ष्मी नहीं रुकती हैं, खिसक जाती हैं। यही देखो हाय हत्या लगी रहती है, बहुत सा पैसा चाहे आदमी का हो चाहे सरकार का हो बेकार जाता है, बेकार जाता है। लेकिन अब लोगों ने ये फैशन बना लिया कि जब मांस खाएंगे, शराब पिएंगे तभी हम तरक्की कर पाएंगे, तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, तभी हम नेता बन पाएंगे, तभी हमारी कदर होगी। यह सबसे बड़ा भ्रम और भूल है लोगों का। देखो एक से एक शाकाहारी पहलवान हुए, एक से एक बलवान हुए, ये इतिहास बता रहा है। हनुमान जी कभी मांस नहीं खाए, कभी शराब नहीं पिए, और देखो पहाड़ उठा करके ले आए थे। आप देखो प्रेमियों इस बात को समझना चाहिए। तो
तो हमारे कहने का मतलब यह है कि शरीर को अगर गंदा करोगे तो अंतःकरण आपका गंदा होगा, मुंह के अंदर डालोगे, मुंह कहाँ है, शरीर में ही तो है, मुंह के अंदर मांस डालोगे तो अंदर जाएगा तो अंतःकरण गंदा होगा, और अंतःकरण में क्या रहता है, वहीं पर शरीर में ही अंदर मन रहता है, तो मन गंदा हो जाता है, और मन की सफाई आप कर नहीं सकते हो, अंतःकरण की सफाई कर नहीं सकते हो, शरीर की सफाई आप कर लेते हो, लेकिन आप ये समझो कि अंतरात्मा की सफाई आप नहीं कर सकते हो, तो अंतरात्मा की सफाई कौन करता है, जिसके लिए पलटू साहब ने कहा कि धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुर के घाट बह जा निर्मल पानी। सतगुर जब मिलते हैं, संत सतगुरु जिनको कहा गया, सच्चे गुरु समरथ गुरु जिनको कहा गया, जब वो मिलते हैं, जब यह जिनकी तस्वीर लगी हुई है या हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु मिलते हैं, तब वो अंतरात्मा की सफाई करते हैं, तब ये चीज़ समझ में आती है कि ये काम जो हम करने में लगे हुए हैं, खाने पीने मौज करने में जो लगे हुए हैं, बाल बच्चों की परवरिश में जो हम लगे हुए हैं, धन कमाने में हम लगे हुए हैं, ये आने समझो अपना काम नहीं है। देखो घर मकान बनाते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर शरीर छूटते समय कुछ ले जाते हैं, कुछ नहीं ले जाते, सब ही छूट जाता है। बनाया ना राजा ने महल, महल बनाया तो महात्मा से बहुत प्रार्थना किया, महाराज चरण डाल दीजिए, चरण डाल दीजिए, चले चलिए, लगा रह गया। जब तक गए तो देखते ही लोग तारीफ करने लगते थे, महात्मा जी कुछ नहीं बोले, घूमते रहे, पूरा देखते रहे, राजा सब दिखाता रहा। तो राजा ने कहा महाराज कोई कमी है इसमें, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। बोले कमी तो है, बहुत बड़ी कमी है। राजा ये बता तूने इसको बनाया क्यों, कहा रहने के लिए। बोला कौन रहेगा, राजा ने कहा मैं रहूँगा। तो कहा तो तूने इसमें दरवाजा क्यों लगवा दिया। दरवाजा, महाराज जी बगैर दरवाजे का कौन महल मकान होता है, कौन सा घर होता है, दरवाजा तो लगाना पड़ता है। तब बोले बस यही तो बात है, तू कह रहा मैं इसमें रहूँगा और एक दिन तुझको इसी दरवाजे से लोग बाहर निकाल देंगे। जब आखिरी वक्त आता है तब उस समय पर गांव के लोग पैर पर हाथ रखते ही कहने लगते हैं पैर ठंडा हो गया, हाथ पे हाथ रखे बोले हाथ भी ठंडा हो गया, आँखों को देखे पुतलियाँ ये रुकने लग गई धीरे धीरे, बोले निकालो निकालो जल्दी करो, घर से बाहर निकालो, उधर मैदान में ले चलो, बाहर निकालो, उत्तर सिर करके लेटाओ, जल्दी से इनके प्राण निकल जाएं, क्योंकि जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं प्राणों के निकलते समय उनको बहुत तकलीफ होती है। क्यों, क्योंकि वो यमराज के दूध खाली कराने के लिए आते हैं, बड़ी मार पड़ती है, बड़ा भयंकर उस समय दर्द बदन में होता है, हड्डी हड्डी चटकती है। तो आप ये समझो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो, ये आपकी कुछ भी नहीं, पूरा दुनिया संसार आप घूम लो, इन आँखों से देख लो, लेकिन ये आपका कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी आपका नहीं है, ये तो किराए के मकान की तरह से है, कुछ दिन के लिए उसने दिया है। जब बहुत प्रार्थना किया, बहुत रोए चिल्लाए, माँ के पेट में उल्टे टंगे हुए थे उस वक्त पर, जब माँ के पेट की आग तपा रही थी, तब प्रार्थना किया था निकालो निकालो निकालो, जल्दी करो, दया करो, समरस गुरु को खोज कर रास्ता लेकर के दिन रात भजन करूँगा, आपको बराबर याद करता रहूँगा, आपको कभी भी नहीं भूलूँगा, और ऐसा काम करूँगा कि आपके पास पहुँच जाऊँगा, आपके चरणों में लिपट जाऊँगा। दे दिया हाथ पैर आँख कान, ये जो मनुष्य शरीर आपका है, जो दिया है उसने, ऐसा किसी का नहीं है। आप देखो जानवर
ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन जानवर डरते हैं। बिच्छू को देख के आदमी डरता है, सांप को देख करके आदमी डरता है, लेकिन आदमी को देख करके ये रास्ता बदल देते हैं कि हमको मार न दे। शेर तक आदमी से डरते हैं कि कहीं हमला न कर दे, वार न कर दे। तो आप ये समझो कि ऐसा शरीर किसी का नहीं है। देखो ताकतवर है शेर, हाथी बहुत ताकत है उसके, लेकिन सीधा नहीं खड़ा हो सकता है। आप सीधे खड़े हो सकते हो, आप गर्दन घुमा के ऐसे देख सकते हो, हाथी नहीं घुमा के ऐसे देख सकता है पीछे। आप देखो, आप ऐसे आसमान देख सकते हो, सीधे खड़े होकर आसमान नहीं देख सकते हैं। तो यह शरीर जो है, यह देव दुर्लभ शरीर बताया गया। देवता तरसते रहते हैं, क्यों? क्योंकि इसी के अंदर मुक्ति मोक्ष का रास्ता है। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट पर देखो, कहीं कहीं लिखा रहता है कि मुक्ति धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए जलाने के लिए और न जला पावे तो वापस जाता है। कोई आंधी आफत आ जाए तो रुक जाता है, वहीं दूसरे दिन जला करके तब आता है, जहाँ से वापस ना न हो, लौटना न हो। तो जब ये जीवात्मा अपने मालिक के पास पहुंच जाती है तब ये वापस नहीं आती है, नहीं तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके आना पड़ता है। 84 में क्या है? आदमी भी हैं, गाय बैल भी है, सुअर बकरा भी है, पक्षी भी हैं, चींटी भी है, चींटी से छोटे कीड़े भी हैं, उनमें आना पड़ता है। यही जीवात्मा उनमें भी है जो आप में है। जीवात्मा कौन है? परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा टुकड़ा है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब डाल दी जाती है। तो प्रेमियों, इस शरीर के अंदर ऐसी जीवात्मा है और ऐसा रास्ता है कि उस रास्ते से आप उस परमात्मा तक पहुँच सकते हो। देवता नहीं पहुँच सकते, और ये आप समझो जानवर पक्षी कोई भी ऐसे नहीं हैं। यानी स्थूल शरीर में, लिंग शरीर में, कारण शरीर में जितने भी हैं कोई नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप पहुंच सकते हो। तो कहा मानुष जन्म बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल। जब सदगुरु आए, संत आए इस धरती पर, तो उन्होंने भेद को खोला। आप देखो अवतारिक शक्तियाँ अलग हैं, ऋषि मुनि अलग हैं, योगी योगेश्वर अलग हैं और संत अलग हैं। इनका अलग अलग दर्जा होता है। जब जो जिस दर्जा का होता है, जानकारी जिसको जितनी होती है उतना ही वो बता सकता है, पढ़ा सकता है। 5 दर्जा वाले को कहो कि मास्टर साहब आप 5 दर्जे को पढ़ाते हो तो आप, हमारा लड़का 8 में चला गया उसको पढ़ा दो, नहीं पढ़ा पाएंगे। 10 को जो पढ़ाता है उससे को 12 दर्जा के लड़के को पढ़ा दो तो नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसे जिसको जहाँ तक की जानकारी होती है वहाँ तक का वो बताते हैं। आप देखो गुरु सब कहलाते हैं, मास्टर जी सब कहलाते हैं, लेकिन जानकारी अलग अलग होती है। तो जब समर्थ गुरु, सच्चे गुरु मिलते हैं तभी यह जीवात्मा 84 में नहीं आती है, नहीं तो लौट लौट करके इसको 84 में आना पड़ता है। तो ये शरीर भी आपका नहीं है, कुछ दिन के लिए उसने दिया है। अब इससे चाहे आप अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, आज़ाद कर दिया। लेकिन संतों को भी भेजा उस मालिक ने कि इनको समझाते रहो, बताते रहो कि ये बुराइयों में न फंसें, इन अंगों से बुरा काम न करें। ऐसे चलने के लिए आप आज़ाद हो, कहीं भी जाओ, आप हाथ से काम करने के लिए आज़ाद हो। अच्छा काम करो, बुरा काम करो, आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो, बुरा सुनो, आज़ाद हो। लेकिन फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं हो। क्यों? क्योंकि अच्छे का फल अच्छा मिलता है, बुरे का फल बुरा होता है, बुराई से कोई बच नहीं सकता है। तो ये सब बना तो दिया लेकिन आज़ाद तो कर दिया, लेकिन यह शरीर भी आपका नहीं है, एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। क्योंकि इस धरती का विधान यह है, नियम यह है कि जो पेड़ फला वो झड़ा, जो आग जली वो बुझी, और जो पैदा हुआ वो मरा। चाहे जो रहा हो,
देखो तारिक शक्तियाँ आई, राम आए, कृष्ण आए, संत आए, कबीर आए, गोस्वामी आए, पलटू आए, नानक मीरा, तमाम ऐसे ये सब मनुष्य शरीर में आए और सबको मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ा। तो प्रेमियों, ये दिन और रात जो आते हैं ये क्या है? ये उम्र को काटने वाले चूहे हैं। दिन सफेद चूहा मान लो और रात को काला चूहा मान लो, ये एक एक दिन ये उम्र कटती चली जा रही है। अब जो बची है उसमें अपना काम करो। अपना काम और पराया काम क्या है? ये काम जो करने में लगे हुए हो दूसरों के लिए, ये धन दौलत, घर मकान, जो दूसरों के काम आने वाली चीज़ है, जो उसको लगे हुए हो, इस काम में से ही थोड़ा समय निकाल कर अपना काम करो। तो अपना काम क्या है? धाम अपने चलो भाई, पराये देश में फंसना, ये पराया देश है, ये काल भगवान का देश है, वो इसको खाली करा लेगा। आप अपने देश चलो। अपना देश कहाँ है? जहाँ से फिर वापस इधर दुख के संसार में आना न पड़े, क्योंकि ये दुखों का संसार है, यहाँ कोई सुखी नहीं। इतने आदमी बैठे हैं, पूछा जाए कि बताओ कोई, कि आप यहाँ साल दो साल में कोई बीमार तो नहीं पड़ा? कोई नहीं हाथ उठाओगे, क्योंकि बीमारी घर घर में आ रही है। लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ पूछा जाए तो कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ न होता हो, नहीं कुछ है तो लड़के ही लड़ जाते हैं, एक दूसरे का बाल गाल नोचने लगते हैं, ये चीज़ें तो हैं। और आप अगर कोई चैलेंज करो तो मैं इसी में बता दूंगा कि इनके यहाँ कोई ना कोई बीमार रहता ही रहता है। लड़ाई झगड़ा कुछ 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 ना कुछ रोज होता है। मैं बता दूंगा, एक नहीं दो चार दस बीस को बता दूंगा। तो ये क्या है? ये दुखों का संसार है। इस दुख के संसार से जब तक निकलोगे नहीं तब तक परेशानी जाएगी नहीं। अब यहाँ ना आना पड़े तकलीफ झेलने के लिए, तो वो अपना काम है। अब आपको फिर भाई उसके लिए तो हमको घर छोड़ना पड़ेगा, जमीन जायदाद छोड़नी पड़ेगी, बाल बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। आपको केवल अपने, सबसे पहले अपने शरीर को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, अंदर अंतरात्मा को अंदर से सफाई करनी पड़ेगी। बाहर से तो साफ सुथरा हो, आप तो देखने में दिव्य पुरुष लगते हो, क्योंकि मेहनत की कमाई खाते हो, दिन में कमाया, शाम को अपने अपने तौर तरीके से ही कुछ ना कुछ भगवान को याद करके आराम से सो जाते हो। वो तो जो जिनके अंदर ज़्यादा चाय भाँ रहता है, लूट घसोट रहता है, जिनके कर्म खराब रहते हैं, उनका चेहरा मोरा इतना खेला हुआ नहीं रहता है, देखने में भी साफ सुथरे लग रहे हो, गांव के आदमी हो आप, जंगलवासी जिनको कहते हैं, ऋषि मुनि जिनको कहते हैं, पहले रहा करते थे, तो उस तरह से तो आप हो, लेकिन अंतरात्मा गंदी है, सबकी एक जैसी नहीं है, साफ नहीं है। तो अंतरात्मा की सफाई कब होगी? कि जब इधर उधर की चीज़ों को जिनमें गंदगी है, खाना पीना जब बंद करोगे, वो चीज़ नहीं बंद कर पाते हो। ऐसे कुछ लोग आप इसमें हो ऐसे भी कि जो मांसाहारी हो, मांस क्या करता है? खून को खराब कर देता है, बीमारियां पैदा कर देता है, और क्रोध, काम, लोभ, मोह की भावना को जागृत कर देता है, बढ़ा देता है इसको। तो आप ये समझो कि उसको छोड़ना पड़ेगा, मांस को, मछली को, अंडा को, शराब को, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे धन मान सम्मान की हानि होती है। कोई शराबी आप समझो कि ऐसे पड़ा हुआ है नाली के किनारे, सड़क पर पड़ा हुआ है, तो कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, तो उसकी कोई कदर करेगा? उसका पैर कोई छुएगा? कोई नहीं। और बढ़िया ठीक ठाक है, साफ सुथरा है, तो उसी का पैर आप छूते रहे होगे, बड़ा मान करके, रिश्तेदार मान करके, लेकिन नाली में पड़े हुए का, शराब के नशे में, अन्य किसी चीज़ के नशे में, गोली के नशे में पड़ा होगा, तो उसको कोई सम्मान नहीं देगा।
और धन तो खर्चा होता ही होता है, क्योंकि लक्ष्मी नाराज हो जाती इनको जो इज्जत के साथ लाता है उसके यहाँ तो रुकती हैं, और जो बेकदरी करता है उसके यहाँ से चली जाती हैं। देखो शराबी शराब के भट्टी पर पैसा फेंक करके, रुपया फेंक करके चला आता है बदबू वाली जगह पर, शराब ले करके पीता है, लेकिन उसको टेंशन बराबर बना रहता है, पैसा आना चाहिए, पैसा रहना चाहिए, रोटी न मिले लेकिन शराब मिलना चाहिए, इस तरह की वो चीज़ है कि आदत बन जाती है। तो आप ये समझो लक्ष्मी नहीं रुकती कि हम कितना है, 10-20 करोड़ है, 25 करोड़ है, पड़ा है, ऐसा नहीं रहता है। आप ये समझो कि जुआड़ी जुआ में दांव में लक्ष्मी को लगा करके चला आता है, एक दिन तो जीत गया ले आया, दूसरे दिन फिर हार जाता है, तो रुपया पैसा नहीं रुकता है। तो आपसे ये हमको प्रेमियों कहना है कि ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जैसे शराब के नशे में अपने लड़के को मार देते, बाप को मार देता है बेटा, औरत को मार देता औरत, आदमी को अपने पति परमेश्वर जिनको कहा गया उनका कत्ल कर देती है, गोली मार देती है। तो ऐसा काम मत करना कि आप घर में ही 22 घंटा तो अपने शरीर के लिए काम करना, 2 घंटा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन के लिए समय निकाल लेना। आप देखो अगर आप अपने तन को मन को साफ रखोगे, अंतःकरण को अब गंदा नहीं होने दोगे और जैसा बताऊंगा वैसा करोगे तो प्रभु का दर्शन पाना इस समय आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में ही होता है, आज तक जिसको हुआ इसी मनुष्य शरीर में हुआ, कितने महात्मा आए और सब पता करके गए, उदाहरण देकर समझाने का समय नहीं है। आप लोग जो प्रवचन सुनते होगे, किसी का भी सुनते होगे, पढ़ते होगे धार्मिक किताबों को, उसमें सब लिखा हुआ है कि आज तक जिसको मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला। बराबर गुरु महाराज हमारे कहा करते थे कि घर में ही मिलेगा, घर छोड़ करके जंगल अगर जाओगे तो वहाँ पर भगवान न तुमको कभी मिला है और न मिलेगा स्वप्न में भी, तो आपको मिलेगा। अब आप प्रेमियों समझो कि आप दिन रात चलते रहते हो, दौड़ते रहते हो, किसके लिए, धन के लिए, मान सम्मान इज्जत के लिए दौड़ते रहते हो। अब आप समझो इन चीज़ों को किसने बनाया, दुनिया को किसने बनाया, प्रभु और परमात्मा ने बनाया। अब वो अगर आपको मिल जाए तब आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, कभी नहीं, फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमाही, हर प्रताप का दुर्लभमाही, जिस चीज़ की इच्छा आदमी करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। हनुमान जी को जब जाना था संजीवनी बूटी लाने के लिए, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, बेहोश हो गए थे, तो हुक्म हुआ था कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, तो उड़ करके गए थे, इच्छा किया कि हम छोटे बन जाएं, छोटी चीज़ ही उड़ सकती है। देखो ये बूंदे नीचे गिरती हैं और जमा हो जाती हैं पहाड़ों पर, तो पहाड़ पर जो यानी समझो बर्फ़ है, बूंदे गिरी ठंडी जगह पहाड़ बन गया, वो यानी पत्थर बन गया बर्फ़, तो बर्फ़ कहीं उड़ पाता है। और वही जब गर्मी पड़ती है नीचे पिघल करके आता है, समुद्र में जाता है और सूरज की रोशनी पड़ती है और वही पर वही पानी उड़ करके जाता है ऊपर, हल्का हो जाता है, फिर बरस जाता है वो ऊपर से। तो ऐसे ही जब हल्की कोई चीज़ होती है तभी उड़ सकती है, तब वो इच्छा किए कि हम छोटे बन जाएं और उड़ करके गए, लेकिन जब देखा कि बूटी यानी नहीं मिल पा रही है खोजने पर संजीवनी, तब बोले चलो पहाड़ ही उठा ले चलें, वैद्य जी ही खोज लेंगे वहाँ। अब उसके लिए इच्छा किया कि भारी भरकम शरीर हमारा हो जाए, ताकत आ जाए कि हम पहाड़ उठाएं, तो हो गया, पूरा पहाड़ उठा लिया। अब कैसे पहाड़ लेकर उड़कर आ पाऊँ, फिर इच्छा किया
पहाड़ भी छोटा हो जाए, हम भी छोटे हो जाए, छोटे हो गए। अल्लाह करके जब यहाँ रखे तो फिर बड़ा कर दिया, कहा बाप छाँट लो इसको। तो जो इच्छा आदमी करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। वो सब ताकत शक्ति किसके अंदर है? आप सबके अंदर है, लेकिन आपको आज तक कोई ये बताने वाला मिला नहीं, रास्ता आपको मिला नहीं। गुरु महाराज हमारे बताते थे, और आप में से कुछ लोग गुरु महाराज के पास जाते भी थे। अब जैसा उन्होंने बताया उस तरह से अगर आप आजमाइश किए होते तो आपके अंदर ये शक्ति आ गई होती, लेकिन असली चीज़ को तो आपने छोड़ दिया, असली चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। बस गुरु महाराज का नाम, जो जागृत नाम उन्होंने बताया, नाम जो दिया उसको आपने छोड़ दिया। जो जनरल नाम सबके लिए बता दिया, जय गुरुदेव नाम, वो बोलते रहे और गुरु महाराज पर आस्था विश्वास किए रहे, आते जाते रहे। जब गुरु महाराज मौजूद रहे, दर्शन मिलता रहा, आपके कर्म करते रहे, आपका खान पान चाल चलन जब सही हो गया, जब आपका यानी समझो कि नियत दुरुस्त हो गई, तो बरकत होने लग गई, तब आप गुरु महाराज को मानने लग गए। लेकिन असली चीज़ को आपने छोड़ दिया। अगर आप लोग ध्यान भजन प्रेमियों सुमिरन करने लग जाओ, जैसा गुरु महाराज ने बताया था, जो गुरु महाराज के नाम रानी हो उस तरह से अगर करने लग जाओ, तो देखो आपके अंदर कितनी ताकत आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। कहा सकल पदार्थ है जग मही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म नहीं करेगा उसको फल नहीं मिल सकता है, तो कर्म आपने किया नहीं। कर्म करो, सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। अब जो नए लोग हो, आपको रास्ता बताऊँगा। गुरु महाराज तो हमारे चले गए, लेकिन गुरु महाराज ने जाने से पहले ये आदेश दिया था कि ये पुराने लोगों के संभाल करें, उन्हें लोगों को नामदान देंगे। तो संभाल का मतलब क्या है? देखो, पतीले में दाल बनाते हो, भगोने में, अरे बच्चों दाल बनाती हो तो एक एक दाल पर नमक नहीं डालती हो, पतीले में नमक डाल देती हो, और सब दाल में दाने जितने होते हैं सब पे उसका असर हो जाता है। ऐसे ही एक एक चीज पुराने लोगों को आपको बताने का समय नहीं है, लेकिन आपकी संभाल बाहर भी होगी और अंदर में भी होगी। अगर आप लोग सुमिरन ध्यान भजन जो गुरु महाराज ने बताया उसको आप करने लग जाओगे, गुरुभक्ति आप में आ जाएगी, गुरुमुखता आ जाएगी, गुरु के आदेश का पालन आप लोग अगर करने लग जाओगे तो गुरु महाराज की दया आप पर हो जाएगी। अब अगर न करोगे तो कैसे होगी दया? दया का स्रोत होता है, दया का घाट होता है। जैसे कोई घाट पर पार होने के लिए नदी जा करके बैठ जाए और मल्लाह की न भी इच्छा हो, उससे प्रार्थना करता रहे, भैया पहुंचा दो बहुत ज़रूरी है, कहता रहेगा, तो कहता है अच्छा बैठो चलो पार कर देते हैं। तो जगह होती है, दूर से ही कोई कहे अरे मल्लाह हमको पार कर दे, कैसे पार करेगा? इसलिए प्रेमियों जिनको नामदान मिल गया, आप बस खाली सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओ। सुमिरन ध्यान भजन में मन नहीं लगता है तो मन इस शरीर को कहीं ले जाने में लगता होगा, खिलाने के लिए, घुमाने के लिए, टहलाने के लिए, तो समझो शरीर से कर्म बने होंगे, तो शरीर से सेवा करो, समझाओ लोगों को, शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, नाम धुनी जो बताया गया वैसा बताने रटाने लग जाओ, यही सब काम करो तो उससे कर्म कटेंगे, और कर्म जब कटेंगे मन साफ होगा, अंतःकरण साफ होगा तो भजन में मन लगने लगेगा। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो बड़े आदमी हैं ये, इनके पास मकान भी है, अच्छा खाते भी हैं, लोग इनको सम्मान इज्जत देते हैं, पुत्र आज्ञाकारी है, औरत पतिव्रता है, इनका लोक बना हुआ है। तो लोक भी बन जाए और आपका परलोक भी बन जाए। परलोक किसको कहते हैं? जहाँ पर रहते हो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर भी लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं। ये देवी देवता 33 करोड़, दुर्गा 10 करोड़ शंभू,
अब इनके सबके राजा हैं, इंद्र हैं, आपका इनका भी लोक है, आप ये समझो ये वरुण जितने हैं सबका लोक है। शिवलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इनकी माँ का लोक आद्या महाशक्ति लोक, इनके पिता यानी समझो काल भगवान ईश्वर जिनका कहा गया उनका लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सत लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, वो सारे लोक हैं। तो उन लोकों में भी आने जाने लग जाओ, वो भी आपका बन जाए, वो रास्ता बताऊंगा। सीधा सरल है ये, कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति मजहब का मानने वाला हो, कोई पढ़ा हो लिखा हो, अनपढ़ हो, आदमी हो, औरत हो, 7-8 साल का बच्चा हो, वो भी कर सकता है। वो रास्ता आपको बताऊंगा, वो नाम आपको बताऊंगा, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग केवल नाम अधारा, सुमे सुमे नर उतरे पारा, नाम ले तो बहु सिंधु सुखानी, सुजन विचार करो मन मही, नाम लेते ही बहु सागर सूख जाए। वो नाम आपको बताऊंगा। आप ये समझो ये पंच नाम की व्याख्या आई समझो कई संतों ने की है, वो पांच नाम आपको बताऊंगा। यह है ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? उन धनियों का नाम जो इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेते हैं, माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर नहीं निकलते हैं। यह माया का लोक है, काल का लोक है, इसमें वो नहीं आते हैं, मनुष्य शरीर में नहीं आते हैं। तो वो कौन है? निर्मायक हैं। और माया के लोक में जो पैदा होते हैं, माँ के पेट में जो पलते हैं, बनते हैं, बाहर निकलते हैं, वो मायक होते हैं, वो भी नाम को जगाते हैं। जैसे राम आए थे तो उन्होंने राम नाम को जगाया, कृष्ण आए कृष्ण नाम को जगाया। आप देखो संतों में कबीर साहब आए, सत नाम को जगाया उन्होंने, सत साहब कहा। आप देखो नानक जी ने आए गुरु की महिमा को, गुरु की लीला को अंदर में जब देखा तो उछल पड़े, वह गुरु वह गुरु वह गुरु, अरे मेरे गुरु, क्या जलवा है अंदर में आपका, क्या महिमा है। क्योंकि जितने भी गुरु आते हैं जो समर्थ होते हैं वो भी मनुष्य शरीर जैसे ही शरीर में रहते हैं, इसी तरह खाते इसी तरह पहनते इसी तरह बोलते हैं, यहीं धरती पर ही रहते हैं डोलते हैं, तो बाहर से पहचान नहीं होती है, अंतर में होती है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600070। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।